जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज आपको एक ऐसे तीर्थ पर लेकर चलता हूं जहां एक कोख से एक नहीं, दो नहीं, तीन बलिदानियों का जन्म हुआ। जी हां, मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र में पुणे के निकट चिंचवड़ गांव में चापेकर वाड़े की। ये घर नहीं है बल्कि अत्यंत पावन तीर्थ है जहां पैदा हुए तीन भाई और तीनों ही भारत माँ की दास्ता की बेड़ियां काटने के लिए शहीद हो गए थे। यहां हरि विनायक चापेकर नाम के व्यक्ति रहते थे। उनके तीन पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम था दामोदर, जिनका जन्म हुआ वर्ष 1869 में। उनके बाद बालकृष्ण, जन्म हुआ वर्ष 1873 में। और सबसे छोटे थे वासुदेव, जिनका जन्म हुआ वर्ष 1880 में। तीनों भाई सच्चे राष्ट्र प्रेमी थे। लोकमान्य तिलक के विचारों का इन पर बड़ा प्रभाव पड़ा था। युवाओं में देश प्रेम के भाव का संचार करने और उन्हें हथियार चलाने का प्रशिक्षण देने के लिए इन्होंने एक क्लब की स्थापना की। वर्ष 1896 में देश में प्लेग फैला। पुणे भी इससे अछूता नहीं था। पुणे अंग्रेजों की महत्वपूर्ण छावनी था, जहां बड़ी संख्या में अंग्रेज रहते थे। सरकार ने प्लेग को काबू करने के लिए प्लेग कमेटी का गठन किया। ICS अफसर वाल्टर चार्ल्स रेंड को प्लेग कमिश्नर नियुक्त किया गया। रेंड के नेतृत्व में अंग्रेजों ने प्लेग नियंत्रण के नाम पर लोगों पर बड़े अत्याचार किए। जबरदस्ती अंग्रेज सेना जूतों सहित घरों में घुसती थी। लोगों को निर्वस्त्र किया गया। धार्मिक भावनाएं आहत हुई। महिलाओं का अपमान हुआ। घरों को तोड़ा गया। प्लेग के कीटाणु को मारने के नाम पर घरों में आग लगाई गई। लोकमान्य तिलक ने अपने अखबार केसरी व मराठा में अंग्रेजों द्वारा किए अत्याचारों की कड़ी निंदा की। चापेकर बंधुओं ने उन जुल्मों के जिम्मेदार प्लेग कमिश्नर रेंड का वध करके बदला लेने का निर्णय लिया। इसका अवसर भी शीघ्र ही आने वाला था। 22 जून 1897 को पुणे के गवर्नमेंट हाउस में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के कोरोनेशन का डायमंड जुबली सेलिब्रेशन कार्यक्रम आयोजित हुआ। रेंड भी इस कार्यक्रम में भाग लेने वाला था। दामोदर चापेकर गवर्नमेंट हाउस पहुंच गए। जिस बिल्डिंग में उन दिनों गवर्नमेंट हाउस था, आज वहां सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का कार्यालय है। गवर्नमेंट हाउस के गेट के पास दामोदर चापेकर रेंड के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। देर रात पार्टी खत्म होने के बाद रेंड बाहर निकला और अपनी बग्गी में बैठा। दामोदर चापेकर ने उसे पहचान लिया। उसकी बग्गी से 10-15 कदम पीछे वे पेड़ों की ओट लेकर दौड़ने लगे। रास्ते में घना अंधेरा था। गणेशखंड रोड पर जैसे ही बग्गी जमशेद जी के पीले बंगले के निकट पहुंची, दामोदर चापेकर दौड़कर इसके निकट पहुंच गए और अपने भाई बालकृष्ण को पुकारते हुए कहा, गोंदिया अलारे। इसके बाद दामोदर ने बग्गी का पर्दा उठाया और उनकी पिस्तौल गरज गई। रेंड की बग्गी के पीछे उसके सुरक्षा अधिकारी लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की बग्गी थी। बालकृष्ण ने उसे अपना निशाना बना लिया। आयर्स्ट की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि रेंड की मृत्यु हुई 3 जुलाई 1897 को अस्पताल में। दोस्तों, यही है वो स्थान जहां रेंड का वध हुआ था। आज यहां शहीद दामोदर चापेकर की प्रतिमा लगी है। उनकी स्मृति को स्थायी बनाया गया है। अंग्रेजों ने रेंड का वध करने वालों का पता देने वाले को 20,000 रुपयों के बड़े इनाम की घोषणा की, जो आज के हिसाब से कई करोड़ होता। चापेकर क्लब से ही जुड़े हुए गणेश शंकर द्रविड़ और रामचंद्र द्रविड़, जो द्रविड़ बंधु के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने गद्दारी की। उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अंग्रेजों ने दामोदर चापेकर को गिरफ्तार कर लिया। उन पर मुकदमा चला और 18 अप्रैल 1898 को उन्हें फांसी दे दी गई। जनवरी 1899 में बालकृष्ण भी गिरफ्तार कर लिए गए, जो तब तक फरार थे। एक भाई को फांसी हो चुकी थी और दूसरे की भी निश्चित थी। तब तीनों भाइयों में सबसे छोटे वासुदेव चापेकर ने भी बड़े भाइयों के नक्शे कदम पर चलने के लिए मां से आशीर्वाद मांगा। मां की आंखें भर आई, लेकिन हाथ बेटे के सिर पर रख दिया। इसके बाद 9 फरवरी 1899 को वासुदेव चापेकर और उनके साथियों महादेव विनायक रानाडे व खांडो विष्णु साठे ने गद्दार द्रविड़ भाइयों को यमलोक पहुंचा दिया।
सब के सब गिरफ्तार कर लिए गए। बाल कृष्ण चापेकर व वासुदेव चापेकर के साथ ही महादेव विनायक राणाडे को भी फांसी की सजा हुई। दामोदर चापेकर तो पहले ही शहीद हो चुके थे। 8 मई 1899 को सबसे छोटे भाई वासुदेव चापेकर को और 12 मई 1899 को मंझले भाई बाल कृष्ण को भी फांसी दे दी गई। जब वासुदेव चापेकर को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो वो बड़े भाई बाल कृष्ण की कोठरी के सामने से गुजरे और बोले, भैया अलविदा, मैं जा रहा हूं। बाल कृष्ण ने उत्तर दिया, बड़ी हिम्मत से काम लेना, मैं शीघ्र ही तुमसे आकर मिलूंगा। इस तरह एक मां की कोख से जन्मे तीन तीन बेटे भारत की आजादी के लिए शहीद हो गए। 10 मई 1899 को इनके साथी महादेव विनायक राणाडे को भी फांसी दे दी गई। खांडो विष्णु साठे नाबालिग थे, इसलिए उन्हें 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा हुई। तो चलिए लेकर चलता हूं आपको अमर बलिदानी चापेकर बंधुओं के घर। हमने जो देखा आप भी देखिए। आज हम पहुंचे हैं पुणे के चिंचवाड़ में, और चिंचवाड़ वो जगह है जहां मां भारती की सेवा करने उसके तीन लाल तीन बेटे फांसी चढ़ गए थे। यहां देखिए मेरे बाएं ओर, ये तीनों भाइयों में सबसे बड़े दामोदर चापेकर की प्रतिमा है, हाथ में पिस्तौल। ये लकड़ी के कॉलम्स और ये लकड़ी के बीम्स, पत्थर की ये फर्श है और दीवारें अप्लास्टर है। ये देवस्थान है चापेकर भाइयों का, इस परिवार का ये मंदिर है इस घर में। तो यहाँ पे आप देखें गणेश की मूर्ति, गणेश विराजमान है यहाँ भी, यहाँ नीचे भी, और बाकी भी वहाँ भगवान विष्णु भी हैं, भगवान शिव भी हैं, शिवलिंग है। हम अंदर प्रवेश करते हैं चापेकर बंधुओं के इस घर में। ये देखिए ये लकड़ी की छत, सीलिंग इसकी लकड़ी की है, लकड़ी के बीम है, उसी टाइम का ये कंस्ट्रक्शन है, उसी समय का घर है। तीन भाई चापेकर बंधु शहीद हुए इस देश के लिए। एक ये कमरा है, इसको ये बंद है अभी, हम इसको नहीं छेड़ेंगे। और इधर से ये सीढ़ियां जाती हैं ऊपर, यहां ये कुंडी लगी है, हम इसको खोल लेते हैं। क्या दरवाजा खुलेगा? नहीं, दरवाजा नहीं खुल रहा है, ये शायद बाहर की तरफ से बंद है, नहीं खुल रहा है। इसकी क्या सूरत है, ये भी नहीं खुल रहा है, ये भी बंद है। चलिए जी नीचे उतरते हैं, जीना भी है यहाँ पे, हम इससे ऊपर चलेंगे। आइए देखते हैं। हाँ, ये भी लकड़ी का जीना है। तो दोस्तों हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए। ये बालकनी देखिए, ये सारा लकड़ी का काम है इसमें, और बहुत अच्छे से तराशा गया है, बड़ी मेहनत से घर बनाया गया होगा। और इस घर को देख के तो हम कह सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि बहुत अच्छा जीवन उनका रहा होगा, किसी तरह का कोई अभाव नहीं होगा। एक कमी जो उनको खल रही थी, जो उनको काटे जा रही थी, वो थी शायद उनके देश की पराधीनता, गुलामी। माँ भारती का कष्ट शायद नहीं देखा गया होगा, वरना इस घर की शानो शौकत को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो भी आराम कर सकते थे, वो भी सुख का जीवन जी सकते थे, वो भी मजे कर सकते थे। लेकिन तीन भाई और तीनों शहीद हो जाए इस देश के लिए, ऐसा उदाहरण दूसरा इस देश में तो हमने नहीं देखा, बाहर भी कभी सुना नहीं कि ऐसा कभी हुआ हो। तो हम चलते हैं अंदर, देखते हैं इस घर में क्या क्या है। ये फर्स्ट फ्लोर पे ये मेन जगह इस घर की हम पहुंच गए हैं, बहुत अच्छा। मेरे साथ हैं मेरे साथी, मेरे मित्र, मेरे भाई नरजीत सिंह। बरसों से मैं इनको परेशान करता रहा हूं, ये बर्फीले पहाड़ों पर जाना चाहते हैं, मैं इनको ऐसी जगह खींच ले आता हूं। देखिए यहाँ पे माँ भारती की तस्वीर है और उसके साथ बड़े भाई
दामोदर हरी चापेकर, हरी चापेकर इनके पिता थे, कीर्तन करते थे। बड़े पुत्र दामोदर चापेकर, दूसरे बाल कृष्ण चापेकर और तीसरे वासुदेव चापेकर, ये तीनों भाई फांसी चढ़े इस देश के लिए। और इनके मित्र चौथे जो फांसी चढ़े थे, महादेव राणा ने, ये देखिए, पुत्रम यत समुद्रस्य हिमाद्री चरेव दक्षिणम वशम तत् भारत नाम भारती यत्र संतति। विष्णु पुराण में कमाल की बात है, विष्णु पुराण से ये श्लोक लिया गया है। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्री चैव दक्षिणम वशम तत् भारत नाम भारती यत्र संतति, कि जिसके उत्तर में हिमालय है, जिसके दक्षिण में समुद्र है, वो देश भारतवर्ष है और उसकी संतान भारती। तो ये अखंड भारत, ये कहां ईरान के वहां तक, ये अखंड भारत की जो संकल्पना है। और ये देखिए इधर सिंहपुर, श्याम देश, चंपा देश, लव देश जिसको आज लाओस कहते हैं, ब्रह्म देश जिसको म्यांमार कहते हैं, मलय द्वीप, सुवर्ण द्वीप, यहां पर ये संस्कृति जो इस खंड की, इस धरा की जो संस्कृति थी, फर्स्ट फ्लोर है। अभी इसके ऊपर कुछ और दिख रहा है सेकंड फ्लोर पे, तो हम वहां भी चलते हैं। चलिए देखते हैं चापेकर बंधुओं का घर सेकंड फ्लोर। आइए, यहाँ इस घर की रेनोवेशन हो रही है, तो यहाँ कंस्ट्रक्शन का सामान पड़ा है, आप भी देख सकते हैं। लेकिन इस घर के वैभव को तो समझा जा सकता है। आप देखिए, तीन मंजिला ये घर है, कितने साल पहले बना होगा कोई बता तो नहीं रहा, अभी है नहीं यहाँ पे। रेनोवेशन हो रही है तो कुछ पुराना सामान यहाँ पड़ा है। पर ये देखिए, लकड़ी की ये छत है, ये लकड़ी का ही, ये वुडन बीम, ये लकड़ी से ही ट्रस बनी हुई है, लकड़ी के पर्लिंग्स हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। खिड़कियां देखिए, पीछे चार खिड़कियां, उधर दिखाइएगा अनीता जी, चार खिड़कियां हैं पीछे की ओर दीवार पे। और आगे आप देखेंगे, उधर आगे की तरफ आप कैमरा कीजिएगा, दो खिड़कियां हैं और तीसरा एक दरवाजा भी है, बाहर निकलने के लिए तीसरा दरवाजा भी है, वहां उधर से बाहर निकला जा सकता है। तो ये घर था क्रांतिवीर दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव चापेकर, उन प्रसिद्ध चापेकर बंधुओं का ये घर। मां भारती के लिए शहीद हुए थे तीन भाई। बड़ा सौभाग्य हमारा कि आज यहाँ आने का अवसर मिला और दर्शन करने का इस मंदिर के ये मौका मिला। बहुत ही ये इधर बंद हो रखा है, इससे हम आए थे। ये देखिएगा, हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, इधर से दिखाइएगा एक बार। ये सामने का हिस्सा हो गया। नरजी जी बताइए जरा, कैसा लग रहा है आज यहाँ के चापेकर बंधुओं के इस घर में? मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी ऐतिहासिक जगह पर हम पहुंचेंगे। इस घर में से एक साथ तीन लोग, तीन भाई देश के लिए शहीद हो गए। मैं तो आपका आभारी हूँ कि आपने कैसी जगह आज इस घर में और इस पावन जो काम आप कर रहे हैं कंटिन्यू, बहुत लंबे टाइम से बहुत कंटिन्यू आपकी सीरीज आ रही है और उसमें आज हमें भी मौका मिला कि इस गंगा में हमने भी स्नान किया। बंधुओं के बारे में सुना सुना था, लेकिन आज आकर के जब हमने देखा तो वो महसूस हो रहा है, उसको मैं एक्सप्लेन बयान नहीं कर सकता। और निश्चित रूप से ऐसी जगह, ये तो तीर्थ है, इनको जरूर विजिट करना चाहिए और मैं तो सैल्यूट करता हूँ उनके बलिदान को, सैल्यूट करता हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी तीर्थ यात्रा, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।